हेलो एवरीवन, सीमा ही यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने स्किन का केयर कैसे करें, डार्क स्पॉट का केयर कैसे करें, पिंपल्स का केयर कैसे करें और स्किन अपनी स्किन को ग्लो कैसे बनाए रखें और इससे फ्रूट फेशियल कैसे करें, तो उसका सलूशन मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ा कोई खीरा लीजिए यानी कुकम्बर, तो बड़ा नहीं हो तो दो तीन ले लीजिए छोटा वाला। उसे पहले अच्छी तरह से उसके छिलके को निकाल दीजिए और ऐसा कोई आप ग्रेटर ले लीजिए और पतले वाले जगह से आप उसे ग्रेट कर लीजिए एकदम बारीक। तो बारीक ग्रेट करना है आपको अच्छी तरह से। जब ग्रेट हो जाए, बारीक ग्रेट कर लीजिए। देखिए जैसे मैं ग्रेट कर रही हूँ इसी तरह से आपको ग्रेट करना है। तो ये जो हमारा ग्रेट किया हुआ है, ये हमें रोज वाटर, ये हमारा वाटर स्प्रे करने के लिए बन जाएगा और हमारा ये फ्रूट फेशियल में काम आएगा, आई मास्क बन जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारे उपयोग में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से अपने स्किन का केयर करने के लिए हमारे वीडियो को देख के और आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे ये उपयोग में आएगा हमारा, ये बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। तो आप इसको देखिए और फॉलो करिएगा, बहुत सारे आप देखेंगे इससे क्या क्या बनता है। तो आप पहले इसे प्रेस करके इसके वाटर को इसे निकाल लीजिए अलग। आपके पास ऐसा पेपर, टिश्यू पेपर ना हो, टॉवल पेपर, तो आप कॉटन कपड़े से आप छान लीजिए, और अगर आपके पास टॉवल पेपर हो तो आप उससे छान लीजिए। और छानने के बाद ये हमारा फिल्टर हो जाएगा, तो इसे हम किसी स्प्रे बॉटल में भर देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको सेम प्रोसेस दिखाया है जैसे मैं यूज करती हूँ। और ये हम किसी स्प्रे बॉटल में भर देंगे और भर के रख देंगे, और आप नाम लिख दीजिएगा ताकि आपको पता रहे। मैं ऐसे बहुत सारे स्टोर करके रखती हूँ चीज़ें, तो इसलिए मैं नाम लिख के रखती हूँ कि कौन सा कुकम्बर का पानी है, कौन सा किसका पानी है, क्या है। तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी चीज़ बना के रखती रहती हूँ फ्रिज में और यूज करती हूँ। तो ये पानी जो है कुकम्बर का, खीरा का पानी, आप इसे स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। देखिए ऑर्गेनिक फ्रेश है, इसे 10 से 12 दिन 15 दिन आप यूज कर सकते हैं, बट आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा स्प्रे में ये रेडी हो गया। आप मेकअप रिमूव करने के बाद भी यूज कर सकते हैं, स्प्रे करके मसाज कर सकते हैं, फेशियल के बाद कर सकते हैं, आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी और ग्लो बनी रहेगी। तो हो गया अलग। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा और आप इसमें से प्रेस करके आप और वाटर इसमें से निकालेंगे तो उसका मैं सेकेंड अदर ऑप्शन बताऊंगी कि आप अदर अलग क्या उपयोग में लाएंगे, उसका मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा और प्रेस करके इसमें से पानी और निकाल लीजिए तो उसका अलग उपयोग में बताऊंगी। और जो हमारा खीरा का जो पेस्ट है उसे भी आप फेंकिएगा नहीं। वो फ्रूट फेशियल और आई मास्क, आंखों के ऊपर मास्क बना के हम यूज कर सकते हैं। इवन फ्रेश है तो आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, इसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, आप किसी भी उपयोग में ले सकते हैं। तो हम इस इतना वाटर और निकालेंगे कि जितने में हमारा कॉटन रोल भीग जाए और हम उसे को कभी भी मेकअप रिमूव करना है या फेशियल के बाद क्लीन करना है तो हमें यूज आएगा। और सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है, हम आंखों के ऊपर आई मास्क बनाना है तो दो पैक में अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। तो दो इसीलिए अलग अलग दो जगह मैंने रखा हो, आंखों के ऊपर आई मास्क सडनली इंस्टेंट आपको बनाना है तो आप ऐसे करके बना के रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे शेयर किया है। अब देखिए अब इस पानी को आप कैसे यूज करेंगे और क्या करेंगे। अब इसमें हमको कोई कॉटन रोल यानी कॉटन बॉल लेना है और हमने थोड़े से स्टिक लिया है यानी ईयर स्टिक, तो उसको क्या करना है, ये सारे को मैं एक में भिगा के रख दूंगी। यानी आपको कभी आंखों के नीचे काजल वगैरह या कुछ भी आंखों के नीचे क्लीन करना है तो आप वो स्टिक से, ईयर स्टिक से क्लीन कर सकते हैं, और जो कॉटन बाउल है बॉल सो उससे आप फेस पे अपने फेस को क्लींजिंग कर सकते हैं, मेकअप रिमूव कर सकते हैं, फेशियल के बाद क्लीन कर सकते हैं, क्लीनअप के बाद
यूज कर सकते हैं। इसको भी आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि आपका ये फ्रेश रहे और टेम्परेचर में रहेगा, बना रहेगा। यहाँ पे देखिए हमारा तीन जगह आंखों का पैक और हमारा टोनर और यहाँ पे आई का स्टिक और कॉटन बॉल सब रेडी हो गया। अब देखिए इसे कैसे यूज करना है। यहाँ पे आपको इजली स्प्रे करना है और आपको ऐसे मसाज कर लेना, यानी फेस पे भी अगर जब भी स्प्रे करें हल्का सा फिंगर टिप से मसाज कर लीजिए। ये कॉटन बॉल ये आपका फ्रिज में ऐसे बंद करके रख दीजिए। जब भी आपको नाइट में मेकअप रिमूव करना है तो आप लेके रिमूव करिए मॉर्निंग में एनी टाइम। और ये जो हमारा कुकम्बर का है ये हमारा फेस को जब भी आँख पे आपको पेन हो या कोई प्रॉब्लम लगे आप आँखों पे रख लीजिए, डार्क सर्कल से आपको आसानी रहेगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको जब भी सोना हो तो डार्क सर्कल के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।